हूँ लेकर सबका सपना मनी मनी। किसी भी शादी का एक बड़ा हिस्सा होता है फाइनेंशियल डिसीजन में, तो आप दोनों ये मिलजुल कर करते हैं? अभी ज्यादा सपोर्ट इनसे मिलता नहीं है। सारे खर्चे पूरे करने के बाद तकरीबन 50% आप बचा लेते हैं, ये पैसा लगाते कहाँ है? आपके पास किसी तरीके का इमरजेंसी फंड नहीं है, तो एक मिनट के लिए तो मैं चौक गई, इतनी ज्यादा पूंजी आपने केवल फिक्स डिपॉजिट में ही उतार दी। यही मुझे सबसे सेफ और सुरक्षित निवेश लगा। हम कोशिश करते हैं आपकी उन परेशानियों से आपको निजात दिलाने की जो सरोकार रखती हैं आपके पैसे से। अब आते हैं वापस लोकपाल पे। मुझे लग रहा है कि अब पब्लिक परसेप्शन में मीडिया के लेवल पर अब थोड़ी थकान हो गई है और दूसरी हेडलाइन की तलाश हम लोग करने में लगे हुए हैं, लेकिन तब ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपकी जो पोजीशन हमने उसमें समझी है वो ये है कि प्रधानमंत्री का कुछ काम तो उसके तहत हो, लोकपाल के दायरे में हो, कुछ काम ना हो, इसी प्रकार MP बिल्कुल ना हो और जज भी ना हो, इसको जरा हम आपसे समझना चाहेंगे। मैं इन तीनों विषयों पर आपको बता दूँ। प्रधानमंत्री के जो नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के फंक्शंस हैं कि भाई आप RNAW पे कितना खर्च कर रहे हैं, IB में कितना खर्च कर रहे हैं, सीक्रेट एक्सपेंडिचर उसमें क्या हो रहा है, जिसका देश की सुरक्षा से संबंध है, उनको लोकपाल के अलग करना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त कोई भ्रष्टाचार का विषय आता है कि आपने डिफेंस परचेजेस में पैसा खा लिया, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में रिश्वत देकर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया, तो ये कहना ये विषय लोकपाल नहीं आएगा, ये अपने आप में समझने वाली बात नहीं है। न्यायपालिका, न्यायपालिका अपना संचालन खुद करती है और वो संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि न्यायपालिका के ऊपर कोई ना बैठे, लेकिन न्यायपालिका के संबंध में हमने कहा ये लोकपाल नहीं चलेगा, एक अलग कॉम्पोजिशन का नेशनल जुडिशियल कमीशन है जिसको साइमल्टेनियस लाना चाहिए, नियुक्तियां भी और जो जांच के मामले हैं, शिकायतों के मामले हैं, वो नेशनल जुडिशियल कमीशन रहे। न्यायपालिका को मुक्त नहीं किया। जहां तक सांसदों का सवाल है, मैंने ये बात बड़ी स्पष्ट कही है कि पार्लियामेंट के भीतर जो होता है वो प्रिविलेज का मामला है, वो हाउस देख सकता है, स्पीकर चेयरमैन देख सकता है, लेकिन संसद के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर जो होता है उस पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है। अब चूंकि जजेस की भी हमने चर्चा की, तो अब वापस एक इशू सामने आया है समय के बाद कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच का रिश्ता और कुछ कन्फ्रंटेशन तो नहीं है। अगर मैं ये इंटरप्रेट करूं कि सलवा जुडम के मामले में और SIT के मामले में कांग्रेस और BJP एक्चुअली एक तरफ है, एक कैटेगरी का केस है। देखिए, मैं दोनों विषयों को अलग अलग रह के कहूंगा। जहां तक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का मामला है, वो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे देश में है। किश्तवाड़, डोडा, रजौरी, पुंछ, सारे के सारे विलेज प्रोटेक्शन कमेटीज के दम पर चल रहे हैं। पंजाब में आतंकवाद के दौरान आपने हर गांव में दो दो तीन तीन लड़कों को आर्म्स दिए ताकि पूरे गांव को प्रोटेक्ट करें। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम विलेज प्रोटेक्शन कमेटी और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं। 1861 से लेकर आज तक ये व्यवस्था चली जा रही है। अचानक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि SPOs को इंसर्जेंसी के मामले में आप नहीं लगाएंगे, तो मैं मानता हूं ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां इंसर्जेंसी में कम्युनिटी के लोग, समुदाय के लोग समुदाय की रक्षा करते हैं। ये विषय सरकार का है, संसद का है, ये न्यायपालिका का नहीं है। और जो तर्क उन्होंने उसमें दिया वो अपने आप में खतरनाक है, इससे माओवादियों को लाभ हुआ है। जहां तक SIT का विषय है, कांग्रेस और BJP की भूमिका बिल्कुल अलग है। BJP के राज्यों को, विशेष रूप से गुजरात को परेशान करने के लिए ये बार बार SIT की व्यवस्था बनाई गई थी। किस केस में कौन कांस्टेबल और इंस्पेक्टर लगेगा वो गुजरात अपने अधिकार क्षेत्र से तय नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता था और राज्य कहता था कि SIT करेगी और केंद्र सरकार पूरा उसका समर्थन करती थी। जब आज इनकम टैक्स के मामले में इनके खिलाफ SIT बिठा दी गई, तो उन्होंने कहा कि SIT तो पूरे सरकार का अधिकार छीन लेती है, वो गुजरात का अधिकार छीन सकती है लेकिन केंद्र सरकार का नहीं छीन सकती। मुझे लगता है कि ये मानना कि हमारी भूमिका एक है SIT के मामले पे अलग है, कांग्रेस के मापदंड दोहरे हैं। अगर उन्होंने इस पे चर्चा करनी है तो वो अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसी बताएं। बिल्कुल, लेकिन ये जिस प्रकार से अभी न्यायपालिका का एक व्यवहार चल रहा है, जो एक्टिविज्म है, जो ओवररीच है, इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं इसमें दो विषय कहूंगा। इन सभी जजमेंट्स में, कई जजमेंट्स में, और मैंने छत्तीसगढ़ के संबंध में लिखा भी,
कोर्ट्स ने अपनी एक आइडियोलॉजी अस्यूम कर ली है जो ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था कैसे चलनी चाहिए यह न्यायपालिका का विषय नहीं है। अपराध की जांच कैसे हो वो बतला सकते हैं, और अगर किसी ब्लैक मनी की जांच सरकार ने नहीं की तो न्यायपालिका कह सकती है करिए, लेकिन वो करने के साथ साथ तर्क ये नहीं दे सकती कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो 91 के बाद आई है वो गलत है, ये न्यायपालिका का विषय नहीं है। उसी प्रकार से माओवादी क्यों पैदा होते हैं, लोग हिंसा क्यों करते हैं, उनको कैसे टैकल करना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विषय है, न्यायपालिका का विषय नहीं है। इंसर्जेंट्स के खिलाफ जज नहीं लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ेगा, ये सरकार को संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा विषय, जहां जहां सरकार काम नहीं कर रही न्यायपालिका उनको आदेश दे सकती है कि अपनी जिम्मेवारी करिए, यू कैन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू इट्स ड्यूटी, लेकिन न्यायपालिका ये नहीं कह सकती अब आपका ड्यूटी मैं हम करेंगे। तो फंडामेंटली जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जजेस के नियुक्तों को लेकर के और जांच के सवालों को लेकर के अब एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि जहां पॉलिटिकल क्लास और जुडिशियरी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, वजह वो है। मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता, मैं इसको एक परसेप्शन की का डिफरेंस मानता हूं। मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये जो तर्क है बिकॉज अदर्स आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी सो आई विल डू देयर ड्यूटी, तो कल एक आदमी खड़ा होकर कह सकता है 3 करोड़ मुकदमे अदालतों में है, आप अपना काम नहीं कर रहे, अब मैं उनका निर्णय किया करूंगा। तो ये तर्क तो न्यायपालिका के खिलाफ भी हो सकता है और पूरी व्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। इसलिए एक डिसिप्लिन ये है, स्टेट्समैनशिप ये है कि अगर सरकार अपना काम नहीं कर रही तो आप कू नहीं करेंगे, आप टेक ओवर नहीं करेंगे, आप सरकार को आदेश देंगे कि हमारी निगरानी में इस जिम्मेवारी को करिए, वो काम सरकार को ही करना पड़ेगा। अब थोड़ा विषांतर करके ये आखिरी सवाल है मेरा, चूंकि आपको मैं सिफोलॉजिस्ट भी मानता हूँ, तो राहुल गांधी के यूपी में घूमने से या उमा भारती के आने से एक बीजेपी में एक राय ये है कि ये सब भले ही कर लें लेकिन कांग्रेस का बीजेपी का इस बार यूपी में कोई सीन नहीं है। देखिए ऐसा है कि स्वाभाविक है कि हम दोनों की राजनीतिक ताकत कम हुई है और उस ताकत को बढ़ाने के हम सब प्रयास करेंगे, लेकिन मैं केवल एक वाक्य में आपके पूरे प्रश्न का उत्तर दे दूं। सीरियस पॉलिटिक्स जो है बहस से, विचार से, आइडियोलॉजी से चलती है, केवल फोटो अपॉर्चुनिटी से नहीं चलती। और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस यूपी में भी और बाहर फोटो अपॉर्चुनिटीज के माध्यम में राजनीति कर रही है, वो सिंबॉलिक है, वो लंबे अरसे तक चल नहीं सकती। पीपल विल फाइंड यू आउट कि आप में इंट्रिंसिक मेरिट क्या है। सीएनबीसी आवाज से जेटली साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं।